नमस्कार दोस्तों, गीकी रामू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कि मैंने Redmi Note 8 का अनबॉक्सिंग तो कल ही कर दिया है, तो आप सभी के सामने अगर इसका अनबॉक्सिंग आपने नहीं देखा है तो जो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका अनबॉक्सिंग भी दे सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये लगभग मैंने 13,000 के प्राइस रेंज में खरीदा था। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मतलब 6GB रैम 128GB के साथ में आपको आता है। प्लस इसके अंदर एक खास चीज़ है कि दोस्तों इसके अंदर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसका स्क्रैच टेस्ट करेंगे, बैंड टेस्ट करेंगे, उसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे। दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चढ़ाई गई है, तो हम इसको देखेंगे टेस्ट करके कि कितना सर्वाइव कर पाता है बैंड टेस्ट में, स्क्रैच टेस्ट में। तो देखना पड़ेगा दोस्तों किस तरह का ये सर्वाइव कर पाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने YouTube ऐप में जाकर गीकी रामू को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके अंदर आपको 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रैच टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना ड्यूरेबल आपको ये मिलता है। सबसे पहले दोस्तों हम पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं, नाइफ टेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा एक नाइफ है, उससे मैं इसको स्क्रैच करूँगा। तो आप सभी के सामने देखिए दोस्तों, लेवल फर्स्ट में मैं स्क्रैच करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन चालू की गई है। दोस्तों, तो मतलब स्क्रैच पड़ने का तो कोई चांस नहीं है, पर कभी भी आप इसको फोन कर लेते हैं दोस्तों तो इसके अंदर बैक कवर जरूर ले लीजिएगा, किसके कारण से ये टूटने का चांस तो रहता ही है। दोस्तों, भले ही कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चढ़ाई गई है, पर दोस्तों इसके अंदर ग्लास है, ग्लास कभी भी टूट सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्क्रैच करके बता रहा हूँ, तो कोई स्क्रैच विजिबल नहीं हो रहा है आप सभी के सामने। थोड़ा जूम करके आपको और बता देता हूँ दोस्तों, तो देखिए, और मैं आपको सामने में स्क्रैच करके कर रहा हूँ, कोई भी स्क्रैच इसके अंदर नहीं गिर रहा है, मतलब इसके इसके अंदर सही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन चढ़ाई गई है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेवल पे कर रहा हूँ, फर्स्ट लेवल पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, सेकंड लेवल पे कोई स्क्रैच नहीं है, थर्ड लेवल पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, फोर्थ लेवल पे भी नहीं है, और फिफ्थ लेवल पे भी आपको कोई स्क्रैच इसके अंदर नहीं मिल जाता। अब दोस्तों इसके स्पीकर बैंड को स्क्रैच करके देख देंगे दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों इसके जो फ्रंट है कैमरा, उसके अंदर स्क्रैच करके देखते हैं आप सभी के सामने। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको फ्रंट कैमरे पे स्क्रैच कर रहा हूँ, तो भी इसमें कोई स्क्रैच नहीं गिर रहा है। और दोस्तों, स्पीकर बैंड की बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, मतलब देखिए पूरी काली परत चढ़ाई गई है, मतलब कलर मारा गया है, ये पूरा निकल रहा है। देखिए दोस्तों, स्पीकर पूरा वेंट निकल जा रहा है। अब दोस्तों इसके साइड को देखते हैं किस तरह का है। इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर हमने मेटल मैट का यूज़ किया गया है, तो आप सभी के सामने देखिए मैट का यूज़ किया गया है। तो आप सभी के सामने दोस्तों कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, पूरा मैट का है। इसमें जो स्टीम ट्रे है दोस्तों, उसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन आपको मैट का इसके अंदर मिल जाता है। अब पीछे का दोस्तों देखिए दोस्तों, पूरा मैट का है, तो कलर का कोटिंग किया गया है, मतलब पूरा स्क्रैच होके इसका कलर आपके सामने निकल जा रहा है। तो आप सभी के सामने दोस्तों देख सकते हो, इसके स्पीकर की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम रॉकर है और इसका ऑन ऑफ का बटन दोस्तों, इसके अंदर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन आपको मेटल का मिल जाता है। तो आप सभी के सामने देखते हो दोस्तों, पूरा कलर इसके सामने से निकल जा रहा है, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों इसके रियर कैमरे रियर पार्ट को स्क्रैच करते हैं, इसके अंदर भी आपको ग्लास बॉडी का यूज़ किया गया है, तो इसको स्क्रैच करके देखते हैं दोस्तों, इसके स्क्रैच होता है कि नहीं होता है। तो आप सभी के सामने मैं दोस्तों इसको स्क्रैच कर रहा हूँ। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों, वो भी आपको मैट का ही मिलता है, तो भी इसके अंदर स्क्रैच नहीं हो रहा है। इसका जो रियर है दोस्तों, वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चढ़ाई गई है। अब दोस्तों इसके फ्लैश को स्क्रैच करते हैं, फ्लैश को देखिए दोस्तों, ये भी आपको ग्लास के अंदर ही इनबिल्ट आता है, मतलब नॉर्मली कैमरे में ये बाहर मिलता है, इनबिल्ट फ्लैश प्लस इसके अंदर ग्लास के अंदर ही इसको सेटअप किया गया है। तो इसके अंदर आपको दोस्तों देखिए, मैं स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई स्क्रैच नहीं गिर रहा। अब दोस्तों इसके कैमरा बम्प है, उसको स्क्रैच करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का जो क्वाड कैमरा है दोस्तों, उसको मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, तो आप सभी के सामने मैं इसके स्क्रैच करके था। उसके साइड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ दोस्तों, तो इसके अंदर भी आपको ग्लास का फिनिशिंग दिया गया है, मतलब इनबिल्ट आपको ग्लास के अंदर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन मिल जाता है। मतलब फ्रंट और रियर में दोस्तों इसके कैमरा बम बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई भी स्क्रैच करने की कोशिश करो, इसके अंदर आपको स्क्रैच नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने मैं स्क्रैच करके देख रहा हूँ, इसके अंदर दोस्तों कोई स्क्रैच नहीं हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। साइड एजेस में थोड़े स्क्रैच पड़ जाते हैं, देखिए दोस्तों वापस मैं करके दिखाता हूँ आपको, पूरा निकल जाता है। आप सभी के सामने आप विजिबल स्क्रैचेस देख रहे होंगे इसके अंदर,
फ्रंट में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अंदर आपको रेडमी का नीचे ब्रांडिंग दिया गया है, इसको भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही प्लेस किया गया है, तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर आपका बजट लगभग में 10,000 से 13,000 रुपये के बीच में है, अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए, तो आप Redmi नोट 8 को ज़रूर ले सकते हो। बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों, इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा फ़ोन आपको कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके देखिए मैं रियर सेंसर को स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर कोई स्क्रैच नहीं गिर रहा, आप सभी के सामने देखिए दोस्तों। जो साइड एजिस है दोस्तों, साइड एजिस में स्क्रैच आपको गिर जा रहे हैं, देखिए हायर ब्लास्टर दिया हुआ है दोस्तों, पूरा मेटल का कंस्ट्रक्शन आपको दिया है, फिर इसमें स्क्रैच आपको गिर जाते हैं। पर फ्रंट में और रियर में दोस्तों कोई भी स्क्रैच नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चाहिए। मैं इसके स्पीकर बैंड को स्क्रैच करता हूँ दोस्तों, स्पीकर बैंड बहुत ही छोटे दिए गए, ये थोड़ा चीप टाइप का प्लास्टिक यूज किया गया कंपनी ने, ये देखिए। पर इसके फ्रंट और रियर में दोस्तों कोई भी स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है, धारदार नाइफ से स्क्रैच कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसके हम हार्ड सीजर टेस्ट स्क्रैच करते हैं, आप सभी के सामने दोस्तों मैंने हार्ड सीजर ले लिया है, तो इससे मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं आप सभी के सामने हार्ड सीजर से टेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर से कोई स्क्रैच नहीं गिर रहा है, तो आप सभी के सामने आप जरूर देख रहे हो कि मैं हार्ड सीजर से टेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी इसके सामने कोई स्क्रैच नहीं गिर रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन इसके अंदर मिल जाता है। रियर में भी आपको स्क्रैच करके बताता हूँ, कैमरा बम भी स्क्रैच करके बताता हूँ दोस्तों, कोई भी स्क्रैच इसके अंदर विजिबल आपको नहीं हो रहा है। देखिए आप सभी के सामने मैंने हार्ड सीजर टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको कितना भी क्रैच करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर कोई स्क्रैच आपको नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों इसका बैंड टेस्ट आपको करके बताता हूँ सभी के सामने, देखिए दोस्तों मैंने इसके बैंड टेस्ट करने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसको मैं बहुत ही ज़ोर से प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर कोई वो नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल फ़ोन बना है दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है इसकी, जो क्या फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा दोस्तों वो भी अच्छा है। पर दोस्तों जो इसका फेस अनलॉक है उतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब जितना आपको चाहिए उतना एक्यूरेट नहीं है। देखिए मैं आप सभी के सामने इसको फेस अनलॉक करके दिखाता हूँ, वेरीफाई करता है पर दोस्तों बहुत ही स्लो करता है, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 65 प्रोसेसर के साथ में आता है। इसके अंदर आपको 6GB रैम और 64GB आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका फ़ोन 13,000 रुपये का बजट है, अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि ये आपको 13,000 रुपये बजट में एकदम अच्छा ड्यूरेबल फ़ोन आ जाता है। साइड एज इसमें दोस्तों बहुत ही स्क्रैचेस आपको विजिबल मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेटल का कंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो कलर पूरे से निकल जाते हैं इसके अंदर। और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और रियर में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा है ड्यूरेबल फ़ोन बनाया दोस्तों डेडिकेटेड कार के स्लॉट में। फिर से मैं आपको उसको बैंड टेस्ट करके दिखाता हूँ, आप सभी के सामने देखिए दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप सब देख रहे हो दोस्तों, इसको पूरा मैं बैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इतना सॉलिड बता है। और दोस्तों इसके अंदर ग्रेडियंट फिनिश मिल जाता है, तो आप सभी देख सकते हो कि किस तरह का ग्रेडियंट आपको टाइप का ग्रेडियंट मिल जाता है, ब्लू ग्रीन और रेड टाइप का ग्रेडियंट मिल जाता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला फ़ोन आपको दोस्तों वही बनाया गया है। फ्रंट और रियर के अंदर दोस्तों ग्लास बॉडी का यूज़ किया गया है, मतलब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन चढ़ाया गया है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोस्तों बहुत ही फास्ट एक्यूरेट करता है। जैसे कि मैंने इसको स्क्रैच करके देखा दोस्तों, देखिए आपको समझ, फिर मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर से, तो ये अनलॉक हो जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अनलॉक नहीं होता। देखिए ये मैंने प्लेस किया, अनलॉक हो गया, इसको स्क्रैच किया फिर भी ये हो जाता है। अब फ्रंट को देखता हूँ दोस्तों, देखिए तो फेस अनलॉक भी बहुत ही एक्यूरेट है, आप सभी के सामने देखिए दोस्तों, मैंने देखा इसको, ये हाफ एन सेकेंड लगता है फेस अनलॉक में भी, वो फिर भी ये हो जाता है। दोस्तों अगर आपका बजट लगभग में 13,000 रुपये है, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो, तो आप ज़रूर ले सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा बॉडी कंस्ट्रक्शन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में आता है। दोस्तों ये फ़ोन इस ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पास हो चुका है, स्क्रैच टेस्ट में, नाइफ टेस्ट में, इन सभी टेस्ट में ये दोस्तों ये पास हो चुका है। मतलब जो रियलमी XT का आपने इसका स्क्रैच टेस्ट नहीं देखा दोस्तों, आप जाके देख सकते हो, उसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन चढ़ाया गया है। पर दोस्तों जो रियलमी XT है वो नोट 8 से कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ोन था, उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल के रियर सेंसर मिल जाता है, जबकि इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिलता है। और रेडमी का ब्रांडिंग दिया गया है दोस्तों, इसको भी स्क्रैच करके देख लेते हैं, इसको भी इन डिस्प्ले में प्लेस किया गया है, मतलब कोई स्क्रैच पड़ने के चांस ही नहीं है, मतलब कोई स्टिकर नहीं लगाया गया है, तो इसके अंदर भी कोई स्क्रैच पड़ने के चांसेस आपको नहीं मिलते। वापस से मैं इसको
सीजर से स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर से कोई भी आपको स्क्रैच का विजिबिलिटी नहीं मिलता। जो कैमरा बम्प है दोस्तों, उसके अंदर भी स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर भी कोई विजिबिलिटी आपको स्क्रैच का इसके अंदर नहीं मिलता है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नाइफ टेस्ट, सीजर टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।